गुड मॉर्निंग आदाबियो, आज हम लोग प्रथम अध्याय समुच्चय को शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने त्रिकोणमिति का बहुत सारा प्रश्नावली बनाया है, जिसमें से आप लोगों को जो भी डाउट हुआ आप लोग उसको पूछ सकते हैं या धीरे धीरे पीछे का रिवीजन करते रहेंगे घर में। समुच्चय से आप लोगों को डेली का डेली बनाना है और उसी दिन आप लोगों को भेजना है ना। तो सबसे पहले देखते हैं समुच्चय यानी कि सेट्स होता क्या होता है। तो सेट्स के जो सिद्धांत के जनक थे वो क्या थे, आप लोग को जार कैंटर माने जाते थे ना। इन्होंने बताया था कि अगर हम लोग कोई समूह लेते हैं, झुंड लेते हैं, टीम जैसे कि क्रिकेट टीम की है, कोई भी कक्षा लिए, कक्षा ग्यारहवीं गणित समूह को ले, एक स्कूल के जितने विद्यार्थी की संख्या को ले, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी स्वर हैं जैसे पांच होते हैं ए आई ओ यू उसको लेंगे, दस से कम प्राकृतिक संख्या को लेंगे, भारत में जितने सारे राज्य हाँ राज्य हैं उसको लेंगे, तो ये सब क्या हो जाएगा आप लोगों का एक समूह बनता है ना। तो हम लोग को समूह यानी कि सेट्स समुच्चय को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह ध्यान देंगे, वस्तु को लेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो सकता है, वस्तुओं तो लेंगे और क्या होना चाहिए सुपरिभाषित, मतलब कि जैसे क्रिकेट टीम लेंगे तो 11 सदस्य आएंगे उसमें, सुपरिभाषित है ना। जैसे कि हम लोग राज्य लेंगे भारत में जितने राज्य हैं उतने ही आएंगे है ना। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाता है, समुच्चय यानी कि सेट्स कहा जाता है। सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, मतलब जो सुपरिभाषित होना चाहिए, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर अक्षर नंबर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर अक्षर केवल पांच है, ए है, ई है, आई है, ओ और यू है, तो केवल पांच ले सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं बी सी कुछ ले लिया तो नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा आपको सुपरिभाषित नहीं हुआ ना, तो समुच्चय नहीं कहलाता। तो समुच्चय केवल उन्हीं को कहा जाता है जो क्या होगा एक सुपरिभाषित संग्रह होगा, एक समूह होगा, एक गुच्छा के रूप में आप लोगों को प्राप्त होगा है ना। जितने भी समुच्चय हैं उसको हम लोग देखेंगे कि हमेशा कैपिटल से ही दर्शाते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल क्या हो सकता है जेड, तो समुच्चय को हमेशा कैपिटल अक्षर से दर्शाया जाता है। और याद रखें कि समुच्चय को हमेशा सर्कुलाकार कोष्ठक, इससे सर्कुलाकार कोष्ठक से दर्शाया जाता है, जिसको रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है, रोस्टर, या इसको आप क्या पढ़ते हैं, सर्कुलाकार कोष्ठक है ना। हमेशा समुच्चय को सर्कुलाकार कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, छोटा कोष्ठक या बड़े कोष्ठक के अंदर नहीं लिखा जाता, ध्यान देंगे। उसके बाद ये जो सर्कुलाकार कोष्ठक के अंदर जो भी होंगे अवयव को हमेशा स्मॉल में लिखे जाते हैं, उसको भी ध्यान देंगे, ए बी सी डी कहाँ तक जाएगा, जेड तक की हमेशा अंदर भी क्या होगा स्मॉल में होगा। और ये जो रोस्टर में लिखा गया सर्कुलाकार उसको किससे दर्शाएंगे, कैपिटल से, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्या होगा एक समुच्चय होगा, और अंदर में जो ए बी सी डी है वो क्या हो जाएगा इस समुच्चय के अवयव कहलाते हैं, ठीक है। जो कैपिटल में दर्शाया गया है समुच्चय है, और समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव रहेंगे, ये समुच्चय हो गया रोस्टर को है ना, तो समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव रहेंगे वो सब अवयव क्या कहलाते हैं, हम लोगों के समुच्चय के क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। तो समुच्चय क्या है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्वर अक्षर है ना, ये क्या हो जाएगा एक समुच्चय हो जाएगा। समुच्चय को हमेशा किससे दर्शाते हैं, कैपिटल अक्षर, चाहे कैपिटल ए हो, चाहे कैपिटल बी हो, चाहे कैपिटल सी हो है ना। समुच्चय को हमेशा किससे लिखा जाता है, रोस्टर के रूप में या तो सर्कुलाकार कोष्ठक के रूप में लिखा जाता है। उस सर्कुलाकार कोष्ठक के अंदर जो भी रहेंगे वो सब क्या कहलाते हैं, समुच्चय के अवयव कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग का डाउट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग दो प्रकार के लेंगे, आपका समुच्चय को निरूपित दो प्रकार से किया जा सकता है, एक होता है आपका रोस्टर और एक होता है समुच्चय निर्माण।
तो उसको जानने से पहले कुछ संख्याओं के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे आप लोग संख्याएं तो जानते हैं बहुत सारी, लेकिन उसमें से जो कुछ संख्याएं जो बेसिकली प्रयोग होंगे बनाते समय आपको जानना है उसमें। पहला है आपका प्राकृतिक संख्या। कौन सा संख्या है? प्राकृतिक संख्या किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एन से, नेचुरल नंबर होता है। कहाँ से शुरू होता है? एक से शुरू होता है। एक दो तीन कहाँ तक जाएगा? प्लस अनंत तक जाता है ना। तो यहाँ से जो एक दो तीन एक से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या कहाँ पे जाता है? अनंत पे। दूसरा होता है आपका पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या मतलब कि होल नंबर जो होता है वो आपका कहाँ से होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो एक दो तीन कहाँ तक जाएगा? अनंत। दोनों में डिफरेंस क्या है? पूर्ण संख्या में जीरो को लिया जाता है जबकि प्राकृतिक संख्या में जीरो को लिया नहीं जाता है। तीसरा जो है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, उसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर जिसको देखना है या तो जेड से दर्शाया जाता है या तो आई से। कहीं कहीं जेड भी रहता है, कहीं कहीं क्या रहता है? आई भी रहता है। ये आपका क्या रहेगा? इधर जैसे माइनस वन भी होगा, जीरो भी होगा, ए भी, तो इधर बढ़ता हुआ जाएगा, प्लस अनंत तक जाता है। इधर बढ़ता हुआ आएगा कहाँ तक आएगा? आपका माइनस अनंत, मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के बीच के संख्या को क्या बोल सकते हैं? हम लोग पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं ना। इसमें सब आते हैं। उसके बाद आप लोग को और एक ज्यादा प्रयोग होता है, वो आपका है परिमेय संख्या, है ना। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को क्यू से दर्शाते हैं ना। ये क्या रहता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है। और यहाँ पे आप लोग का जो है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो नीचे रहेगा वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर क्यू का मान आप लोगों का जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? ये संख्या आप लोग का अनंत हो जाएगा। तो आप लोग का क्या होगा कि यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय संख्या क्या होता है आप लोगों का? P by Q के फॉर्म में होता है, लेकिन Q जो है वो जीरो नहीं होगा। तो प्राकृतिक संख्या एक से अनंत तक, पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? जीरो से अनंत तक, पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, और परिमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है? P by Q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे Q जो है जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इतने को आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं समुच्चय को कैसे निरूपित किया जाता है उसको बताऊंगा, है ना। समुच्चय को निरूपण कैसे करेंगे? तो समुच्चय को जो निरूपित करने का जो तरीका है वो आप लोगों का है, दो प्रकार से इसको हम लोग निरूपित कर सकते हैं। समुच्चय का जो निरूपण है दो प्रकार से होता है, एक होता है रोस्टर के रूप में, है ना, रोस्टर रूप में, और दूसरा होता है सारणीबद्ध। क्या होता है आप लोग का? सारणीबद्ध। दो प्रकार से हम लोग निरूपित कर सकते हैं, रोस्टर के रूप में रहता है और दूसरा क्या रहता है आप लोग का? समुच्चय निर्माण रूप बोल सकते हैं ना, इसको हम लोग सारणीबद्ध बोल सकते हैं। या फिर इसी को, इसका दूसरा नाम क्या है? समुच्चय निर्माण बद्ध। दोनों में निर्माण रूप भी लिख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि अभी आप लोग को बताया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय है। ऐसे उदाहरण है ना कि अगर मेरे को रोस्टर के रूप में लिखना है, किस रूप में लिखना है? रोस्टर के रूप में। तो जैसे कि प्रश्न ऐसा दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्या लिखेंगे? स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को लेंगे। तो अगर इसको रोस्टर में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? ए, ई, आई, ओ और क्यू, है ना। अगर इसी को रोस्टर में लिखना है तो क्या लिखूंगा? ए लिखूंगा, ई लिखूंगा, आई लिखूंगा, क्या लिखूंगा? क्यू लिखूंगा, है ना। ये हो गया रोस्टर के रूप में। लेकिन इसी को अगर आपको किस रूप में लिखना है? समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है तो क्या लिखूंगे? जैसे ये कोई समुच्चय है ना, इसी को अगर आप, ये पहला फॉर्म रोस्टर हो गया, इसी को आपको किस में लिखना है? समुच्चय के रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण। तो लिखेंगे x such that, इसको पढ़ते क्या है? such that x, x such that x, ये क्या है आपका? एलिमेंट। इसको क्या पढ़ते हैं? एलिमेंट। ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के
उल्टा ऐसा प्रश्न में दिया रहेगा है ना, रोस्टर में दिया है तो समुच्चय निर्माण के रूप में लिखने के लिए आता है, और समुच्चय निर्माण के रूप में दिया है तो किस रूप में लिखने के लिए आता है, रोस्टर के रूप में। तो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर दिया है क्वेश्चन रोस्टर में लिखना है, कैसे लिखेंगे, रोस्टर में दिया है उसको समुच्चय निर्माण के रूप में पूछेगा तो लिखेंगे कि एक्स कुछ भी एलिमेंट लिख सकते हैं, सच दैट एक्स मतलब एक्स इस प्रकार है कि वो क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर एलिमेंट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो इसको प्रश्न बनाते समय आपका सारणी जो समुच्चय निर्माण रूप का क्लियर होगा कि कैसे लिखा जाता है ना। जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं, इसके जगह अगर आप लोगों का ऐसा रहता एक दो तीन डैश डैश तो ये क्या हो गया प्राकृतिक संख्या हो गया, तो क्या लिखता एक्स सच दैट एक्स क्या लिखेंगे एलिमेंट किसका प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, क्या है प्राकृतिक संख्याओं का क्या हो जाएगा समुच्चय हो जाएगा। तो आपको क्या है रोस्टर को किसमें लिखने के लिए आना चाहिए समुच्चय निर्माण, और समुच्चय निर्माण को किसमें लिखने के लिए आना चाहिए रोस्टर के रूप में लिखने के लिए आना चाहिए है ना। तो देखेंगे इसको कैसे लिखा जाता है, इसमें से कुछ और देख लेते हैं कि समुच्चय का जो प्रकार होता है वो कितने होते हैं है ना, क्या देख लेंगे समुच्चय के प्रकार को देखेंगे फिर देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है ना। तो समुच्चय के जो प्रकार है उसमें से पहला जो प्रकार है वो है आप लोग का एकल समुच्चय, पहला समुच्चय क्या है आप लोग का एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जिसमें केवल एक ही अवयव होगा, जीरो एक इसको रिक्त समुच्चय में लेते हैं तो यहाँ पे ए ले लो है तीन कुछ भी लेना जहाँ पे केवल एक अवयव होगा ऐसा समुच्चय क्या कहलाता है एकल समुच्चय कहलाता है। उसी प्रकार आपका हम लोग ले सकते हैं दूसरा में रिक्त समुच्चय, क्या ले सकते हैं रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो तो उसको हम लोग खाली ना लेके क्या लिख लेते हैं जीरो लिखते हैं ना, रिक्त है कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो। तो ये आपका रिक्त समुच्चय ये हो गया एकल समुच्चय। उसके बाद देख लेते हैं आपका परिमित या तो शांत समुच्चय क्या होता है ना, क्या हो जाएगा आपका परिमित या शांत समुच्चय। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जैसे कि एक दो तीन ये पहला एग्जांपल, दूसरा है ए बी सी डी। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे इस समुच्चय में केवल तीन अवयव, इस समुच्चय में चार अवयव है तो जिसको आप लोग गिन सकते हैं परिमित है ना, जहाँ तक आप लोग काउंट कर सकते हैं ये सब क्या हो जाएगा परिमित है, क्योंकि केवल आपको पता है कि ये जो है एक दो तीन पर ही गया है और ये ए बी सी डी तक ही गया है तो ये क्या हो जाएगा परिमित होगा। लेकिन आपको पूछेगा अगर अपरिमित समुच्चय पूछेगा है ना, तो अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एक दो तीन डैश डैश कहाँ तक जा रहा है पता नहीं है ना। जैसे कि और एग्जाम्पल ले सकते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहाँ तक जाता है हमको पता नहीं है, एक हो गया है ना तीन ऐसे आप लोग ढूंढे हो जाना, जिसको आप लोग आगे नहीं बता पाएंगे वो क्या हो जाएगा अपरिमित, जिसको बता पाएंगे परिमित जिसमें कुछ नहीं हुआ रिक्त समुच्चय, और जिसमें क्या होगा एक ही अवयव होगा क्या होगा एकल समुच्चय है ना। उसके बाद आपका समान या तुल्य समुच्चय, तो इसमें क्या होता है कि दो दिए गए समुच्चय ए और बी में ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है तो क्या कहलाता है समान समुच्चय कहलाता है, क्या कहलाता है समान समुच्चय। ये क्या होता है आपका जैसे कि ए की जगह आप लोग एक तीन पाँच सात और बी की जगह लिए हम पाँच तीन सात और एक, तो ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर होंगे, या तो ये समुच्चय क्या कहलाता है समान समुच्चय है, क्योंकि ए का जो अवयव है और बी के अवयव दोनों आपस में बराबर है भले ही क्रम आगे पीछे है, ए का एक तीन पाँच सात और बी का पाँच तीन सात एक मतलब ए में एक है बी में भी है, ए में तीन है तो बी में भी है, ए में पाँच है तो बी में भी है, ए में सात है तो बी में भी है, तो दोनों में अगर समान होंगे तो ऐसा समुच्चय क्या कहलाता है आप लोग का
समान समुच्चय कहलाता है। एक बार हल्का सा आयोजन करते हैं, समुच्चय क्या होता है? ठीक है, वस्तुओं का सुपरिभाषित क्या है? आपका संग्रह है। समुच्चय में दो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, एक होता है आपका रोस्टर रूप और दूसरा क्या होता है आपका समुच्चय निर्माण रूप। उसमें से कुछ संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है ना, परिमेय संख्या, इसको देखना है आप लोगों को। उसके बाद जो है इसके तीन या चार प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है रिक्त समुच्चय है ना, दूसरा आप लोगों का क्या है एकल समुच्चय है। तो एकल समुच्चय में एक ही अवयव होंगे, रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होते हैं है ना। उसके बाद ध्यान देंगे आपका परिमित, जिसको आप लोग काउंट कर सकते हैं या बता सकते हो परिमित में कहाँ तक जाएगा, नहीं बता पाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग क्या है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था, यहाँ से आपका प्रश्नावली जो है थ्योरी टाइप का है, कैसे बनाया जाता है उसको हम लोग देखते हैं है ना। तो इसमें से आप लोगों को क्या पहले कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर आप लोगों का प्रश्नावली जो है समझ में आ जाएगा। तो इसमें से जो उदाहरण का आप लोगों का पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है आप लोगों का, जैसे कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन ये है कि वर्ष के उन सभी महीनों का संग्रह जो ऐप से आरंभ होता है, तो क्या लिखेंगे? वर्ष के उन सभी महीनों का संग्रह जो ऐप से आरंभ होता है, केवल फरवरी है, बाकी में ऐप स्टार्ट नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? परिभाषित वस्तुओं का संग्रह है, इसीलिए समुच्चय है। क्योंकि पता है कि वर्ष में जितने 12 महीने होते हैं उसमें से केवल एक ही महीना ऐसा है जिसमें ऐप शुरू होता है ना। उसी प्रकार जे अक्षर से, तो जे से जनवरी, जून और जुलाई, ये भी क्या है? परिभाषित है ना। दूसरा है संसार के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, ये परिभाषित नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज क्या होता है? मेरे हिसाब से मान लो कि विराट कोहली बेस्ट है, तो तुम लोग के हिसाब से, किसी के हिसाब से धोनी बेस्ट होगा, तो किसी के हिसाब से और कोई बेस्ट होगा है ना, रोहित। तो इस प्रकार क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज ये क्या होगा? परिभाषित नहीं है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, ये भी परिभाषित नहीं है, क्योंकि किसी को सांप से डर लगता है, तो किसी को कुत्ता से, तो किसी को शेर से। उसी प्रकार ये उदाहरण क्लियर। जैसे तीसरा उदाहरण में ए दिया है ना, उसमें आपका एलिमेंट है कि नहीं है भरना है। जैसे ए में क्या दिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 5 जो है ए में है क्या? है तो क्या होगा? एलिमेंट है। 8 है क्या? नहीं है, तो एलिमेंट नहीं है। इसको क्या पढ़ते हैं? एलिमेंट है, और इसको क्या पढ़ते हैं? एलिमेंट नहीं है। उसी प्रकार तीसरा है 9 है कि है ना, तो ये आपका समझ में आ गया। पांचवा में क्या है आप लोगों का? समुच्चय एक धन पूर्णांक है को रोस्टर में रूप, कब? x²<40। तो धन पूर्णांक तो लेना है, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49 हो जाता है। हम लोग को कहाँ तक लेना है? 40 से छोटा वाला, तो कहाँ तक लेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो रोस्टर रूप में भी ये हो गया है ना। अब उल्टा है आपका, समुच्चय निर्माण में दिया है, रोस्टर में लिखना है। -2 और 9 के बीच में जो है लिखो, 10 से कम प्राकृतिक संख्या लिखना है, 60 का भाजक, तो ये आपका समझ में आ जाएगा। समीकरण का हल समुच्चय रोस्टर में कीजिए, जो भी समीकरण दिया है उसको गुणनखंड विधि से आप लोग हल कर सकते हैं, ये एमपी क्वेश्चन भी है ना, 7वां, तो उसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो एक्स के 2 मान मिलेंगे है ना, वही क्या है आप लोग को उसको रोस्टर में लिखना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बनाएंगे तो ऐसा, इस प्रकार आप लोग का उदाहरण अब समझ में आया होगा। तो यहीं से आप लोग को प्रश्नावली है, आप लोग फेयर में लिखेंगे तो भी ठीक, नहीं लिखेंगे तो इसका कुछ नहीं होता है, आप लोग को सीधा सीधा लिखना है कौन सा समुच्चय है नहीं है, तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा है ना। तो पहला प्रश्नावली आप लोग ऐसे हाँ नहीं मैं भी जवाब दे सकते हैं, फेयर में लिख लेंगे तो और बढ़िया है, लिख लेंगे एक बार। उसी प्रकार आपका जो दूसरा प्रश्नावली है उसमें यह बताना है कि कौन सा परिमित है कि नहीं है। इस वर्ष में महीनों का समुच्चय परिमित है, एक्स एक अभाज्य संख्या, ये परिमित नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या कहाँ तक जाता है हम लोग को नहीं पता चलता है ना। विषम संख्या, ये भी अपरिमित हुआ। सेकेंड में बताना है कि रिक्त समुच्चय के उदाहरण है कि नहीं है, है ना। तो एक्स का मान 5 से छोटा है और 6 से बड़ा है, तो रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि 5 से छोटा और 6 से बड़ा, 5 से छोटा जाएंगे तो जो भी जाएगा है ना, 4, 3, 2, और 6 से बड़ा मतलब 7, 8,
तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, है ना। दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, तो इसमें रिक्त है कि नहीं बताना है, और चौथे में दोनों बराबर है कि नहीं, तो एक दो तीन, एक दो तीन, तीन तीन अवयव दोनों में बराबर है तो क्या होगा, समान अवयव होंगे। तो इस प्रकार प्रश्नावली एक और दो फेयर में लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो बाकी लिख लेंगे, और एक बार प्रश्नावली एक और दो को भेजेंगे, और जितना भी परिभाषा है और प्रकार उसको भी फेयर कॉपी में आप लोगों को लिखना है, संख्याओं को भी लिख लेंगे प्राकृतिक संख्या के, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उपसमुच्चय के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।